आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारा झटका लगा है। कटनी में विजय राघोगढ़ से कांग्रेस के विधायक संजय पाठक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने अपने सामने संजय पाठक को बीजेपी में शामिल किया। भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ। मध्य प्रदेश के विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक ने ₹5 की सदस्यता शुल्क दी, फोटो खिंचवाए और बीजेपी में शामिल हो गए। शिवराज सिंह खुद इस मौके पर मौजूद थे, लेकिन ये तस्वीर कांग्रेस को इतनी नागवार गुजरी कि कल तक जो संजय पाठक उनके लिए बड़े नेता थे, उन्हें माइनिंग माफिया से जोड़ दिया गया। उनकी माइनिंग चल रही थी और उनके धंधे बचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गए वो, और उनका शिवराज से व्यापार के अंदर समझौता हुआ है, क्योंकि व्यापार में पार्टनरशिप शिवराज ने उनके साथ में कर ली है और ये सारी भूमिका नरोत्तम मिश्रा ने निभाई है। संजय पाठक ने कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया, साथ ही साथ ये भी कह दिया कि अब कांग्रेस बची ही नहीं, कुछ लोग प्राइवेट लिमिटेड पार्टी चला रहे हैं। मेरे जो प्रकरण है वो सरकार से संबंधित नहीं रह गए हैं, मेरे सारे प्रकरण जो है हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। अगर कोई सरकार मदद भी करना चाहेगी तो मैं सरकार के समक्ष बैठ के कह रहा हूँ कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केवल कानून चलता है, और जिस कांग्रेस पार्टी की हमने हमारे परिवार की 3 पीढ़ियों ने भारत को आजाद कराने की स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर आज की तारीख तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की और कांग्रेस पार्टी की जो कुछ भी किया, अब वो कांग्रेस पार्टी ही समाप्त हो चुकी है। संजय पाठक की 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रही। संजय खजुराहो से लोकसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन जब कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि वो टिकट न मिलने के पीछे दिग्विजय सिंह, मोहन प्रकाश और कमलनाथ की तिकड़ी को जिम्मेदार मानते हैं। दीप्ति चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल, इंडिया न्यूज़।